दोस्तों, मैं विकास टोली आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही क्रिकेट की महत्वपूर्ण वीडियो। अभी आपको पता ही है कि थोड़े ही दिन में आईपीएल आ जाएगा, तो मैं सबका एनालिसिस लेके आया हूं, खासकर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टूर हुआ है उसके ऊपर सारा एनालिसिस लेके आया हूं। तो सबसे पहले जो भी भारतीय दर्शक है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इंडिया टेस्ट सीरीज में सफाया हो गया, वनडे सीरीज में सफाया हो गया, T20 सीरीज में सफाया हो गया। इंग्लैंड नंबर वन टीम थी जो उसको हमने चिट कर दिया। तो पहले बढ़ते हैं टेस्ट सीरीज के ऊपर। टेस्ट सीरीज में पहला मैच हारा, उसके बाद क्या जबरदस्त वापसी की इंडिया ने और अच्छा मैच जीता, सारे मैच जीते। और अक्षर पटेल डेब्यू था उनका, लग नहीं रहा था डेब्यू था, 20+ विकेट्स ली उन्होंने, अच्छा एक दो बार बैटिंग भी की। और आर अश्विन क्या कहने उनके, जैसे जैसे वो ओल्डर हो जा रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना वाइन, ज्यादा ज्यादा ओल्डर हो रही, ज्यादा ज्यादा बड़ी हो रही। अभी वो ओल्डर इतने है नहीं, बट वो बढ़िया होते जा रहे हैं कंसिस्टेंसी के कारण। ऑस्ट्रेलिया गए थे तब भी अच्छी बॉलिंग चल रही थी, अब इधर भी अच्छी बॉलिंग चला रहे हैं। मेरे हिसाब से तो उनको वनडे और T20 में भी ले लेना चाहिए, वो अच्छे बॉलर है। टेस्ट में उनको मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला गया, उनकी 100 भी है। इनफैक्ट कोहली 100 नहीं मार पाया, बट मैन ऑफ द सीरीज अश्विन है, उनकी 100 भी है। और तो इंडिया ये सीरीज जीती थी 3-8 से, जिसमें हमने जॉनी बेयरस्टो को 0 पे आउट किया था। तो ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज का मेन, और एक सबसे बड़ा जो पॉइंट था टेस्ट सीरीज का, वो वैसे देखा जाए हर एक सीरीज का है, वो है ऋषभ पंत। क्या बल्लेबाजी कर रहा है लड़का। पहला उसका देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया गया था, पहला मैच नहीं खिलाया गया, बोल रहे थे विकेट कीपिंग स्किल्स पुअर है, बहुत सारे लोग बोलते थे। इनफैक्ट मैं भी शायद बोलता कि यार थोड़ा सा विकेट कीपिंग स्किल ऊपर अच्छे हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट क्या खेला, सबको उसने बोल दिया कि भाई ऋषभ पंत इज द बेस्ट। जैसा उसका 6 महीने का प्रोग्रेस रहा है ना, उससे ऊपर सबसे ज्यादा जो उसने कमाया वो किसी ने नहीं कमाया होगा। बाकी प्लेयर तो पहले से ही स्टार थे, जैसे कोहली हो गया, रहाणे हो गया टेस्ट में, अश्विन हो गया, बट ऋषभ पंत ने तो एकदम ऊपर ले गया अपना लेवल। टेस्ट सीरीज में बहुत बढ़िया योगदान, टेस्ट 100 में मारे, 90+ स्कोर भी मारे, विकेट कीपिंग भी अच्छी की, और बार बार प्रोत्साहित भी करता है। बस एक चीज है रिव्यू में थोड़ी, अभी अश्विन और ऋषभ पंत रिव्यू में थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं, ये उनको खामियाजा है। और इंडिया टीम के कैचेस बहुत ज्यादा ड्रॉप होते हैं, ये भी खामियाजा है। अब बढ़ते हैं T20 सीरीज में। T20 में भी पहले वैसा ही हुआ कि पहला मैच हार गए, फिर वन वन डाउन हो गई, दूसरा मैच जीते, शुक्र है कोहली टॉस भी जीता, उसके बाद दूसरा मैच ही जीता टॉस, सारे टॉसिस हार दिया लगातार, तीसरा मैच, चौथा मैच, पांचवा मैच, T20 में सारे टॉस हार दिया। टॉस हारने के बावजूद इंडिया चौथा और पांचवा आखिरी T20 जीत पाई, और इंडिया ने सीरीज की 3-2 से कब्जे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बोल रहे थे विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म है, फॉर्म में इतना सही कंसिस्टेंसी नहीं थी, बट थोड़ी कंसिस्टेंसी ज्यादा होने लग पड़ी, और T20 में इनफैक्ट वो मैन ऑफ द सीरीज आए, 350 मारी है और तीनों बार नॉट आउट गए हैं, मैन ऑफ द सीरीज आए। सूर्य कुमार यादव ने डेब्यू किया, 50 मारी, ईशान किशन ने डेब्यू किया, 50 मारी। तो दो होनहार खिलाड़ी और मिले, एक राहुल T20 से बाहर हो गए एक किस्म से देखा जाए तो। अब बोल तो रहे हैं कि कोहली और रोहित ओपनिंग करेंगे, मैं भी यही चाहता हूँ, कोहली रोहित ओपनिंग सबसे बेस्ट नंबर है, और वो सबसे इंडिया टीम के लिए भी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से लिए। और कोहली ओपनिंग में T20 में ज्यादा सही है, अगर बेंगलोर में जाते हैं आईपीएल के खेलने में तब भी T20 में ओपनिंग करे। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपनी ओडीआई सीरीज, जो लास्ट सीरीज है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फेवरेट तो इंडिया ही है, बट हम चाहते हैं कि सॉरी फेवरेट तो इंग्लैंड ही है, बट हम चाहते हैं कि इंडिया जीते, बट जो हम चाहते हैं वही हुआ आखिरकार। जीती कौन? भारत, आराम से जीती भारत, आराम से बोल सकते थे थोड़ी देर तक, बट जैसे ही सैम करन का हार्दिक पांड्या ने कैच छोड़ दिया, उसके बाद हम आराम से कैसे बोल सकते थे, लास्ट तक मैच लेके गया है। सैम करन बता रहा था कि मैं धोनी की टीम से आईपीएल खेलता हूं, मुझे डेथ तक लेने की आदत है, और वो जिता ही गया था मैच। शुक्र है लास्ट में टी नटराजन, भुवनेश्वर, हार्दिक पांड्या ने अच्छी बॉलिंग करा दी, तभी जीत गए। थर्ड ओडीआई में इंडिया बहुत अच्छा खेली थी, मिडिल ओवर में भी अच्छा खेला, बट जैसे ही ओपनर आउट हुआ वैसे कोहली आउट हो गया, धवन आउट हो गया, रोहित शर्मा आउट हुए, 3 आउट हो गए, राहुल फुल टॉस बॉल में आउट हो गया। कोहली की तो क्या बोले, थोड़ी बहुत किस्मत रहती है, कुछ अनहोनी हो ही जाती है विकेट में, कभी रन आउट हो जाए, कभी बॉल डिप कर जाए, कभी टर्न अगर 2 डिग्री हो रही हो तो उसकी बॉल में 5 डिग्री टर्न हो जाएगा, कभी बॉल ऊपर उठ जाएगी, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जैसे पुजारा का भी टेस्ट सीरीज में होता था, जैसे पुजारा अनलकी डे टेस्ट सीरीज में। तो वैसे ही
इंडिया बहुत अच्छे थी, पंत आया, पंत ने तो इस बार क्या बैटिंग की, बहुत बढ़िया बैटिंग की। हार्दिक पांड्या ने भी बहुत बढ़िया बैटिंग की, बट ये जैसे ही दोनों आउट हुए, उम्मीद थी कि कृणाल पांड्या जिन्होंने पहले ही अपने ओडीआई मैच में 50 रन मारे वो अच्छा खेलेंगे, बट वो बॉल से जूझते नजर आए। लग रहा था कोई भी बॉल खेल रहे थे, बैट पे टच ही नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किल से एक टैग भी छूटा उनका, 23 रन नहीं बना पाए, 23-25 रन ज्यादा नहीं बना पाए। बट शार्दुल ठाकुर, जिसे बोलते हैं लॉर्ड शार्दुल, लॉर्ड ठाकुर ट्विटर में ऐसा बोला गया उसे, क्यों जब भी चाहिए बॉल थमा दो विकेट दे के दे देगा, बट इस बार तो उसने बल्ले से भी कमाल कर दिया, दो तो एज लगे और 6 रन, एक तो भाई 6 मारा, बेन स्टोक्स बोलता बल्ला दिखाइए भाई, हम बल्ला देखें कि कैसा 6 मारे जा रहे हो भाई आप। उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने अच्छा खेला बट आउट हो रहे, और सबसे बड़ी बात यह है रानी कि इंडिया पूरे ओवर नहीं खेल पाई, 10 बॉल पहले ही ऑल आउट हो गई। उसके बाद जैसा सेकंड वनडे में देखा था बेन स्टोक्स ने क्या हराया था इंडिया को, तो लग रहा था कि वैसा ही होगा, बट इस बार 5 बॉल तक तो वैसा ही लग रहा था, क्योंकि पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल चौका, उसके बाद भुवनेश्वर ने बहुत देर बाद जेसन रॉय और जॉनी बैरोसो की 100 रन की साझेदारी नहीं, वो जल्दी आउट हो गए। इसके बाद तुरंत भुवनेश्वर आउट हो गए, अच्छा हुआ नितिन मैनन ने आउट दे दिया था, एम्पायर स्टॉल हो गई, वैसे मेरे हिसाब से DRS चेंज होना चाहिए। उसके बाद बेन स्टोक्स का सिंपल सा कैच हार्दिक पांड्या ने छोड़ दिया, फिर 1-2 विकेट फिर से गिरे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जाके 6-7 आउट हो गए, एक बार कैच की अपॉर्चुनिटी फिर से आई सैम तरन के पास, सैम तरन ने उठा दी बॉल, हार्दिक पांड्या के पास दूसरी बार अपॉर्चुनिटी आई थी कैच की, 2 बार ड्रॉप, एक कैच लिया बहुत बढ़िया कैच लिया पर 2 बार तो ड्रॉप कर दिया कैच। अब कोहली ने आदिल रशीद का बहुत ही 100 कैच लिया, तो लगा कि मैच जीत सकते हैं, बट शार्दुल के एक ओवर में 18 रन मार दिए सैम करन ने, मैच को पूरा लास्ट तक ले गए। लास्ट 3 ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग रही, 8 ने 5 रन दिए, 4 रन दिए और 5-6 रन दिए। इनफैक्ट लास्ट बॉल में वो 96 2 रन भी मार सकता है, वो भागा नहीं क्योंकि मैच हार गए थे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की सैम तरन ने। बट मैन ऑफ द सीरीज के लिए मैं हैरान भी हूँ कि मैन ऑफ द सीरीज भुवनेश्वर को नहीं मिला, मैन ऑफ द सीरीज जॉनी बैरिस्टो को मिला। नो डाउट जॉनी बैरिस्टो ने बहुत अच्छा खेला, बट जहाँ पे सारे बल्लेबाज खेले जा रहे थे वहाँ पे उसने बॉलिंग में इतनी इफेक्टिवनेस, इतनी अच्छी इकोनॉमी की, तो मेरे हिसाब से भुवनेश्वर को बनता था मैन ऑफ द सीरीज। और मैन ऑफ द मैच जैसे कोहली ने बोला, कोहली से मैं पूरा सहमत था कि उसने बोला कि मैन ऑफ द मैच शार्दुल ठाकुर मिलना चाहिए, मैं भी 4 विकेट लिया, अगर 1 विकेट 20 रन की भी कर लो तो 80 रन तो उसने मार ही दिए, और साथ में 30 रन भी मारते गया 20 बॉलों में। चलो सैम करन ने भी अच्छा किया तो नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट मैन ऑफ सीरीज भुवनेश्वर आना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब इंडिया बढ़ेगी अपने IPL के ऊपर, अब जो भी आपस में कर रहे थे, जैसे वीरेंद्र सहवाग ने डाली थी कि पहले जो अपने साथ में थे दोस्त, अब दोस्त भी दुश्मन हो गए हैं कि मेरी ये IPL की टीम है, मेरी दूसरी IPL की टीम है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको इंग्लैंड का टूर मजा आया होगा देख के। अब हम वैसी उम्मीद IPL के लिए करेंगे कि IPL में बहुत बड़ा मजा आए, बहुत अच्छा हो, और हम चाहते हैं कि जो टीम इस बार IPL में नहीं जीती है वो जीते हैं, ताकि सारी IPL टीम इक्वेशन में बनी रहे, या पता चले रोहित शर्मा अपना 6वां कप उठा रहे हैं, या धोनी ही फिर से आपस वापस फॉर्म में आ रहे हैं और धोनी ही कप उठाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें, धन्यवाद दोस्तों।